हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बार 15 दिन रह के आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतेंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊं, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है, और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है, घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए। नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 सीट आई थी, हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था। जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दो राहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दो राहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात आज से यह सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया, यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है आपको। एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए।